अच्छा अब बोलना नहीं किसी को भी, मना अभी मना कर रहा हूँ, फिर तू बात कर, बोलना नहीं किसी को, परेशान है क्यों? दस अब कुछ है? तो थोड़ी देर खड़े होकर पढ़ लेते ही रहेगा, तो पता तो पहले से तो ना कि क्लास तो गया। अच्छा चल अब कुछ सुन ले, अब हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? बहुत ध्यान से बोलना, डेफिनेशन आज के स्कूल में, कंडीशन आज के स्कूल, और स्पेशली जो क्वेश्चन आना है वो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन के ऊपर आना, क्वेश्चन आएगा इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एच एफ, एच के साथ एफ आ जाए, एच के साथ ओ आ जाए, एच के साथ एन आ जाए, तो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एच के साथ एन, एच के साथ ओ, एच के साथ है, ये तीन केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। स्पेशल केसेस अलग अलग है, इसी तरह मतलब तू भी खड़ा पीछे, इसको नहीं दिख रहा तो आगे आ जा। जैसे मैंने, जैसे ये गर्व सिंगल सारी क्लास अटेंड कर रहा है, चाहे वो लो लेवल है, हाई लेवल है, कुछ भी है, सारी क्लास अटेंड कर रहा है, पीछे वाली भी। तो ऐसे तुम लोग अलर्ट हो जाओगे तो सारी चीज सही हो। विधि वर्मा सारी क्लास अटेंड कर रही है, स्विम कर रखा सारा मेरे पास पहले, वो कोई क्लास मिस नहीं कर रही, और एक भी दिन ऑनलाइन के लिए नहीं बोला, इसे सामने आके क्लास अटेंड की, ये वाली चीज चाहिए। और धीरे धीरे रिजल्ट जरूर इंप्रूव होगा। एच के साथ एफ, एच के साथ ओ, एन के साथ है, ये तीन केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तीन केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये तो मैं जानता इसके अंदर। अब इसमें और भी ऐसा नहीं कि यही तीन केस है, एस पी हाइब्रिडाइज कार्बन आ जाए दो चांसेस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, एस पी हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ एच आ जाए, या फिर सी सी एल थ्री के साथ एच आ जाए, ये भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस। मनन थोड़ा लग रहा हूँ, आगे आ जाए, कोई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, मुझे आगे जाओ, मतलब पीछे खड़ा हो, अच्छा ये केसेस हैं जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब जैसे इसी के अंदर मैंने पूछ लिया, ये बन गए तीन, इसके क्वेश्चंस एच एफ, एच टू ओ, एन एच थ्री, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, पूछा इसके अंदर, इसके अंदर इन चारों में से कौन सा लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, इन चारों में से कौन सा लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, क्या आंसर आएगा? एच एफ। किसके साथ आंसर है, ये हैंड करेंगे, लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कीर्ति, विधि, आयुष, आदित्य, और कोई, ऑल एच एफ। तू बोल कर, तुम लोगों का सबका गलत है, आंसर है अमोनिया, आंसर अमोनिया है इसका, लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन है ये, प्रॉपर रीजन है सबके, सबके प्रॉपर रीजन है कि अमोनिया क्यों शो कर रहा है। तो अमोनिया जो है इसमें लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी एच एफ में भी पेंट है और एच टू में भी पेंट है। देखो एच एफ अगर आता है, हम दिखा देते हैं जल्द, वो क्या कहते हैं, जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन आया, एच एफ इज लिक्विड वाई, तो तुम ऐसे दिखा देते हो, एच पे नेगेटिव, एफ, एच पे पॉजिटिव, एफ पे नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव, तो इन दोनों में एक वीक बॉन्ड बन जाएगा, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रेंथ होती है इसकी 12 से 44 किलो न्यूटन मोल, जो कि एक केमिकल बॉन्ड से बहुत ही वीक है, एक केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ, एक कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ 200 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है, 200 किलो जूल पर मोल के। कुरवांश आ गया, दो सौ किलो जूल पर मोल के आसपास होती है स्ट्रेंथ एक केमिकल बॉन्ड की, तो ये 12 से 44 किलो जूल पर मोल है। यार
दिखा देते हैं सिंपल सा शो करने के लिए कि एचएफ लिक्विड क्यों है और एचसीएल उसी के जस्ट नीचे है गैस की। ऐसे ही H2O लिक्विड, H2O लिक्विड है और उसके नीचे H2S है, वो गैस है। इसमें भी हम दिखा देते हैं लीनियरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओ पे एच पे पॉजिटिव, एच पे पॉजिटिव, ओ पे टू नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव, ओ पे टू नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव। इसमें भी हमने दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में जो लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सिर्फ अमोनिया के अंदर। रीजन एचएफ के अंदर, एचएफ के अंदर यहाँ पे तीन लोन पेयर है। देखो उधर एचएफ के अंदर एफ के पास एक शेयर कर लिया, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन, ये तीन लोन पेयर है। और जब इसका दूसरे से बॉन्ड बनता है तो वो 140 डिग्री के एंगल पे आता है, वो आता है 140 डिग्री के एंगल पे। और H2O के अंदर, जैसे मैं बोलूँ H2O के अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या डिफरेंस है, क्या तुम्हें तो कोई बताता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? एक्सटेंट H2O की कितनी है? चार। एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम चार हाइड्रोजन बनाता है, बने चार के बन जाएंगे कितने? चार। एच के ऊपर पॉजिटिव, एच के ऊपर पॉजिटिव, एच के ऊपर ये पॉजिटिव, ये दो दिख गए, एक ये पॉजिटिव, एक ये पॉजिटिव, एक ही मॉलिक्यूल है ना ये। अब ओ पे टू नेगेटिव है, ओ पे टू नेगेटिव है ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओ के पास दो लोन पेयर है, ओ के पास दो लोन पेयर है, इससे एक यहां बन गया और एक और बनेगा किसी और वाटर मॉलिक्यूल, किसी और वाटर मॉलिक्यूल से दोबारा बनेगा। बात समझ आएगी कि नहीं है? तो H2O के अंदर चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, HF के अंदर एक HF का मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बना रहा है? दो। एक F बनाएगा और एक H, एक F और एक H। तो तुम्हें दिख रहा होगा अभी मैंने लीनियर दिखाया है, ये हम शो कर देते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अभी तक मैंने जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया है, क्वेश्चन कैसे आएगा? H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, क्या आंसर बोलोगे? H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और शो कर देते हैं, लेकिन H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। HF लिक्विड क्यों है? क्योंकि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, HCl एक्चुअल में गैस है। लेकिन अगर तुम लैब में देखते होगे तो तुम्हें क्या दिखता है? लिक्विड, HCl लिक्विड फॉर्म में होता है ना, क्यों? डायल्यूट कर रखा है हमने, तो क्या कर रखा है? डायल्यूट कर रखा है, अदरवाइज HCl क्या है? गैस, पानी डाल रखा है उसके अंदर, प्योर HCl इज गैस। अब ये आ गया तुम्हें, अब HF जो मैं शो कर रहा हूँ, HF जो तुम्हें शो कर रहा हूँ वो इस तरीके से एक्चुअल में, ये F, ये H, ये F, ये H, ये F, ये H, ये F, ये H, ये F, ये H। एक ये तरीका, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा हूँ बीच में, H और F के बीच में, H और F के बीच में, H और F के बीच में, इधर ये आगे कंटिन्यू है, ये एंगल 140 डिग्री का। और एक ऐसे भी शो कर सकते हैं, एच एफ, एच एफ, एच एफ, एच एफ, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा हूं मैं, ये ऐसे आएगा, इसमें एंगल 140 डिग्री का। एक ये सही ना, एक ये तरीका, और भी एक तरीका होता है, मैं इन दोनों से आंसर बताऊंगा, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है पहले बताओ। एक एक बी ए वाला रीजन, अच्छा नीचे एफ एफ है तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे, और कोई? सोचा अच्छा है बहुत, लेकिन इसमें ना ये देना है कि एफ के अराउंड जो है ना एंगल होना चाहिए 140 का। इधर नीचे किसके अराउंड है? एच के अराउंड, एफ के अराउंड, एफ के पास तीन लोन पड़ते हैं ना, एफ के अराउंड एंगल होना चाहिए 140। और एक क्वेश्चन और आता है, जैसे अभी देखो ये सब एफ एक साइड चल रहे हैं ना, एफ एफ एफ, तीनों एफ एक साइड चल रहे हैं कि नहीं? जब तीनों एफ एक साइड है तो रिपल्शन होंगी इनमें, इसलिए यहाँ पे आना चाहिए एफ, तो यहाँ आना चाहिए एच। कई बार ऐसे दे देंगे तुम्हें, तीन मॉलिक्यूल देंगे ऐसे, कौन सा करेक्ट है? तो तुम क्या देखोगे? एक बार एफ आए, फिर क्या आए? एच आए, फिर क्या आए? एफ, फिर क्या आए? एच, ताकि रिपल्शन ना हो। क्या क्लियर हो गया? वही वाला सिस्टम करेक्ट होगा, ये वाला सिस्टम मैं अभी करेक्ट बोल रहा हूँ, क्या ये पूरी तरह करेक्ट है? क्यों नहीं है? क्योंकि रिपल्शन सोचते हैं फिर एफ, ये चीज चेक करना, ये एडवांस का पुराना क्वेश्चन है, 17 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, अंदर लीनियर तो नहीं है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे H2O में लीनियर नहीं है, लेकिन NH3 में क्या होगा? NH3 में क्या होगा? लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NH3, ये इस तरीके से।
एक एमोनिया का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन है, इसका एक्सटेंट क्या है, इसका एक्सटेंट क्या है, एक एमोनिया मॉलिक्यूल, पॉजिटिव 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 एन पे थ्री नेगेटिव, पॉजिटिव 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 एन पे थ्री नेगेटिव, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनेंगे सिर्फ। रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, एन पे तो थ्री नेगेटिव चार्ज है, वो एक क्यों बना रहा, तीन बनाएगा ना, वो तो तीन ही बनाएगा, तो लेट है, एन पे तो तीन नेगेटिव है ना, लेकिन एन के लोन पेयर कितने हैं, एक, तो इसलिए एक ही हाइड्रोन आता है, ये एक ही हाइड्रोन है, लोन पेयर एक है तो एक ही बनाएगा हाइड्रोन, सही है दिवंशी, 445 बोल देना, 445 सही है, तो इसलिए बिल्कुल हाँ, तुम जैसे अगर सुना देते हो उसको लिंक ले लिया करो, दूर से आते हो ना, एनएसटी में और कल वाले लेक्चर किए हैं दिव्यांशी सारे, कर लिए कल सर। वाले लेक्चर कर लिए, जो रात को मैंने पढ़ाया रात को दिखे। सर एनएसटी के अंदर लीनियर हाइड्रेटिक बॉन्डिंग, एनएसटी के अंदर क्या है, लीनियर हाइड्रेटिक बॉन्डिंग, हाँ अगर हम इसको प्रेशराइज कर दें, एनएसटी को क्या करें, अगर प्रेशराइज कर दें इसको, तो उस केस में ये छह हाइड्रोजन बना सकता है, और इस वजह से प्रेशराइज करने पे सॉलिड बन जाता है, अमोनिया अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बढ़ जाता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक्सेप्शनली बढ़ जाता है, याद रहेगा क्या, अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बढ़ जाएगा अगर हम इसको प्रेशराइज करते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्लियर होगी बात की नहीं है, तो ये तुम्हें सर इसके अंदर ध्यान रखना, हाँ अगर सर डायपोल मोमेंट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को काउंट करेंगे। सर करेंगे, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल मोमेंट ही है, ओके सर बस उसका फोर्स 12 से कम हो जाता है ना, जैसे 8 या 9 रह जाता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बोला नहीं गया है, जैसे एचसीएल के अंदर, एचसीएल के अंदर भी डाइपोल मोमेंट होती है ना, एचएफ पे भी डाइपोल है, एचएफ की डाइपोल मोमेंट को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, एचसीएल की डाइपोल मोमेंट को नहीं बोलेंगे, ओके सर तो ये यहाँ पे काउंट कर लेना जरूर, एनएस3 में लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर अगला क्वेश्चन मेरा, इनमें से जैसे दिया एचएफ, इसी के अंदर एच एफ बी एच सी एल सी एच बी आर और डी बोल दिया ऑल, इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, इसमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, क्या आंसर रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एसिडिक सॉल्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल लेवल पे और पूछा हुआ है, एसिडिक सॉल्ट कौन बनाएगा, एच एफ एच सी एल एच बी आर या ऑल, कनिका हमेशा लेट आ रहे हो, हमेशा एक भी दिन टाइम पे नहीं होगा, एच एफ एच सी एल एच बी आर ऑल, विच विल फॉर्म एसिडिक सॉल्ट, ऑल, आदित्य का आंसर ऑल है, किसी को चेंज करना है, विच विल फॉर्म एसिडिक सॉल्ट, किसी बोलना है, HCl, विधि का आंसर HCl है, विधि अगर तुम HCl बोल रहे हो तो HBr क्यों नहीं बोल रहे, HBr तो और अच्छा एसिड है, HBr तो और अच्छा एसिड है ना, नीचे बढ़ता है, एच एफ वीक एसिड है सिर्फ, HCl HBr HI तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं, और HI सबसे स्ट्रॉन्ग, और HI की जो HI का जो एसिड करेक्टर है वो H2O4 कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है, और किसी को आंसर बोलना है, अभी तक आंसर HCl आ गया है और ऑल आ गया है, तू बोल, एच एफ इसका सही है, एच एफ गब सिंगल का कोई रीजन दे सकता है, एच एफ क्यों बना रहा है एसिडिक सॉल्ट, नहीं याद है, ये छह तरीके की सॉल्ट्स हैं, क्या पता मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया हो, ये छह तरीके की सॉल्ट्स, एक बार मैं जल्दी से बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, छह तरीके की सॉल्ट्स, पहला नॉर्मल सॉल्ट, एसिड का एच खत्म हो जाए, बेस का ओएच खत्म हो जाए, जैसे NaCl CaCl2 MgSO4, ये सब एसिडिक है कि नहीं, ओ सॉरी नॉर्मल है कि नहीं, Na3PO4 Na3PO4 ये सब क्या है, नॉर्मल, एसिड का एच खत्म, बेस का ओएच खत्म, तो क्या है नॉर्मल, नॉर्मल सॉल्ट है, दूसरा एसिडिक सॉल्ट, एसिड का एच बच जाए, जैसे NaHSO4 एच बच गया ना, HSO4 का एक, तो ये एसिडिक सॉल्ट है, जैसे NaHS,
ये आईआईटी के क्वेश्चन से पुराने आए हुए हैं, जो ये एसिडिक सॉल्ट है, जैसे के एच एफ टू जो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था, एच एफ टू नेगेटिव आयन साइंस में कि नहीं? क्या एच सी एल टू नेगेटिव आयन एग्जिस्ट करते हैं? नहीं। एच एफ टू नेगेटिव आयन क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? एच एफ एरा और एफ नेगेटिव एरा बनेगा कि नहीं? एच एफ टू नेगेटिव आयन बन गया कि नहीं है? एच एफ और साथ में एफ नेगेटिव, एच एफ और साथ में क्या आया? एफ नेगेटिव, तो ये बन गया एच एफ टू नेगेटिव आयन्स। इसीलिए एच एफ नेगेटिव, एच एफ टू नेगेटिव आयन्स बन सकते हैं, लेकिन अगर एच सी एल होता तो सी एल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे क्या बन सकते थे? नहीं, तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? तो इसलिए एच सी एल टू नेगेटिव आयन्स, एच सी एल टू नेगेटिव आयन्स ये नहीं बनेंगे। एच एफ टू नेगेटिव आयन्स बन गए तो एसिड का एक एच बचा हुआ ना, तो इसलिए सॉल्ट एग्जिस्ट करती है के एच एफ टू, जिसमें एच एक बचा हुआ है, इसीलिए ये क्या है? एसिडिक सॉल्ट। के एच सी एल टू नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन के एच सी एल टू एग्जिस्ट करता है। क्या क्लियर है? के एच एफ टू एग्जिस्ट करता है, के एच सी एल टू एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे भी क्वेश्चन आता है के एच एफ टू जो है वो डिसोसिएट करके के प्लस और एच एफ टू नेगेटिव आयन्स देता है, लेकिन के एच सी एल टू नहीं देता, लेकिन के एच सी एल टू नहीं देता। रीजन, क्योंकि एच सी एल टू नेगेटिव आयन्स एग्जिस्ट नहीं करते। एच एफ टू नेगेटिव आयन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एच एफ की एफ नेगेटिव के साथ, लेकिन एच सी एल टू नेगेटिव आयन्स में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। क्या क्लियर हो गए? तो ये एसिड सॉल्ट है, ये ऐसे ध्यान रखना, मैं जितने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, 11 सालों को नेक्स्ट टाइम एज होमवर्क दिखाना है तुम्हारे, बाकी होमवर्क के अलावा। और वेडनेसडे को तो पूरा होमवर्क शो करना है, पता है ना? बाकी होमवर्क के अलावा तुम्हें होमवर्क पूरा दिखाना है। सही ना? मिस नहीं करना होमवर्क बिल्कुल भी। तो ये मैंने तुम्हें दो एग्जांपल दी, एसिडिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, और भी ले सकते हैं। जैसे बेसिक सॉल्ट में क्या आएगा? सी ए ओ एच सी एल। क्लियर है कि नहीं? सी ए ओ एच सी एल, सी ए ओ एच सी एल फोर्थ बेसिक सॉल्ट है कि नहीं है? ए एल ओ एच ट्वाइस बी आर, बेस के ओ चांस बचे हैं ना, तो ये बेसिक सॉल्ट है। पहला नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये क्लियर होगा तुम्हें। नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये तुमने क्वाड्रेशन कंपाउंड पढ़ा है, ये स्विट्जर साइंस शो किया मैंने यहाँ पे, स्विट्जर साइंस, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, याद कर लेना। स्विट्जर साइंस क्या होता है? सी यू एन एच सी ओ फोर टू प्लस, स्विट्जर आयन, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है कि नहीं? ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, फोर्थ एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल डबल सॉल्ट, के सी एल डॉट एम जी सी एल टू डॉट सिक्स एच टू, ये है डबल सॉल्ट। ये क्या है? डबल सॉल्ट, और क्या नाम है इसका? कार्नालाइट, कार्नालाइट, ये कार्नालाइट है। ये क्या है? कार्नालाइट, डबल सॉल्ट कहते हैं इसको। और एक लिया के टू एस ओ फोर डॉट ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस डॉट 24H2O, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नाम था? फिटकरी जो कहते हैं, पोटेशियम। पोटेश एलम, सही ना? जिसको फिटकरी कहते हैं, किचन में प्रेजेंट होता है ये, ब्लीडिंग के समय यूज करते हैं इसको, है ना? पोटेश एलम। कौन सा अल्फी मेटल एलम से बना था? लिथियम, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, याद रखें, लिथियम नहीं संभाल पाएगा सल्फेट आयन को, लिथियम नहीं संभाल पाएगा सल्फेट आयन को, इसलिए वो एलम नहीं बनाता है। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए वो एलम नहीं बनाएगा। सही है, इसलिए वो एलम नहीं बनाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अरे तुमने तो फोन करना था उस दिन, कोई बहाना मार दे, वही 3 दिन तक याद ही नहीं हुआ, तेरे को फोन करना, मैंने कहा था ना तू करेगा ही नहीं फोन, कुछ भी कर ले, और इतना तो लेट आता, लेट आने का फायदा नहीं कुछ, स्कूल के भाई तू डायरेक्ट आ जाएगा ना, मैंने बोला था तू डायरेक्ट आएगा स्कूल, अभी 40 मम्मी तो रोक लिए थोड़ी देर की क्लास है, ज्यादा देर क्लास। हाँ बोल दियो। अच्छा समझ आ गया कि नहीं है? तो ये ध्यान था इसके अंदर जो एग्जाम्पल तीसरा, ये पांच हो गए ना सॉल्ट, एक और रह गई कोई, एक है मिक्स्ड सॉल्ट, ये भूल सॉल्ट इसमें एफ पार्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, एन ए एन एच फोर, एन ए एन एच फोर डॉट एच पी ओ फोर, एक मिनट गलती हो रही है ना, हो गया ना, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव,
ये मिक्स सॉल्ट है जिसमें एक एनायन के साथ दो कटायन आए हैं, जिसमें एक एनायन के साथ क्या आए हैं, दो कटायन, एक एनायन दो कटायन, सही ना, एक एनायन दो कटायन, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट डॉट, इसमें एक बार चेक कर लेना 4H2 आता है, डॉट 4H2, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट NaNH4 डॉट HPO4, Na पे +1 चार्ज, अमोनियम पे +1 चार्ज, HPO4 पे 2-, तो ये मिक्स सॉल्ट है, ये क्या है, मिक्स सॉल्ट, गर्म करते हैं इसको तो क्या मिलता है, NaPO3, NaPO3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फाइड पड़ता है NaPO3, Na2 Na4PO3 होल 6, हाइड्रोजन चैप्टर में हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए यूज करते हैं कैल्शियम फोन मेथड, ये आपके लिए तो मिक्स सॉल्ट है, दो कैटायन एक एनायन, दो कैटायन एक एनायन, एक और एग्जांपल लिखते हैं इसकी, ये जो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट की ना, ये पूछते हैं विच इज द फॉलोइंग इज माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, चीनी मिट्टी कहते हैं इसको, तो ये वाली NaNH4 डॉट HPO4, और एक है MgNH4 डॉट, क्या आएगा, HPO4 की PO4, HPO4 तो 2- होता है, अभी पॉजिटिव कितना है 3 है ना, Mg पे 2 पॉजिटिव, NH4 पे पॉजिटिव, क्या आएगा डॉट PO4, क्या समझ गए, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, तो ये दोनों कौन से, किस किस सॉल्ट, कौन से सॉल्ट के एग्जांपल है, मिक्स सॉल्ट, 6 टाइप की सॉल्ट बताइए मैंने, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पूछते हैं, फिर बेसिक सॉल्ट, उसके बाद कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, फिफ्थ है मिक्स सॉल्ट, सॉरी फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है डबल सॉल्ट, सिक्स है मिक्स सॉल्ट, सिक्स क्या है मिक्स, 6 तरीके की सॉल्ट होती है, कोई भी आता है 4 सॉल्ट दे देंगे, कहेंगे कौन सी टाइप की सॉल्ट है, और मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया KHS क्या है, एसिडिक सॉल्ट, क्यों एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि एसिड का एच बचा हुआ है, एसिड जैसे अगर ये एक क्वेश्चन दिया मैंने, एक क्वेश्चन ये दिया, ये देखते हैं कौन आंसर करता है, Na2HPO3, Na2HPO3, NaH2PO2 और Na3PO4 डी और, ये देखते कौन आंसर करता है, विद द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल सॉल्ट, विद द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल सॉल्ट, आंसर बोलेंगे विच द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल सॉल्ट, विच द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल सॉल्ट, Na3PO4 आंसर आ गया मुदित का, और कोई Na3PO4 क्लियर है कि नहीं, विच द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल सॉल्ट, किसी को बोलना है मुदित के अलावा, मैं सोच नहीं पाते कुछ, और कोई, तू बोल नवीन, हाँ ऑल, इसका नवीन का सही है, नवीन रीजन है, नॉर्मली दिख रहे हैं नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल बोर्ड पे देख रहे हैं, ये कह रहा था कैसे कैसे, रीजन देना पूरा प्रॉपर, तो क्या रीजन देना प्रॉपर इसका, क्या बोल रहा नवीन आंसर, ये तो कंप्लेक्स होता अलग से ही दिख जाते हैं, तू बता रीजन दे प्रॉपर, तुम लोग एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, ये पहले वाला H3PO3 है, दूसरा वाला H3PO2 है, तीसरा वाला H3PO4 है कि नहीं, ये है कि नहीं, अब अगर मैं कहता हूँ H3PO4, तो इसमें तीनों हाइड्रोजन इसके एक्टिव हैं, ये कितनी सीरीज बनाएगा सॉल्ट की, तीन सीरीज बनाएगा कि नहीं, जैसे Na H2PO4 एक सॉल्ट, Na2HPO4 दूसरी सॉल्ट, Na3PO4 तीसरी सॉल्ट, ये दोनों एसिडिक सॉल्ट, ये नॉर्मल सॉल्ट, कोई डाउट तो नहीं है, अब दूसरा स्ट्रक्चर लिया मैंने H3PO3 का, ऊपर वाला H3PO3 का स्ट्रक्चर सबको पता है, ये होता है एक OH, दो OH और एक H, तो ये कितनी सीरीज बनाएगा सॉल्ट, दो ही, इसका एक ये हाइड्रोजन एक्टिव, एक ये हाइड्रोजन एक्टिव, दो ही सीरीज तो बनाएगा, ये दो सीरीज का मतलब क्या है, एक बनेगा NaH2PO3 और एक बनेगा
Na2HPO3। इसमें से ये क्या है? एसिडिक। और ये नीचे वाला क्या है? दोनों छट गए ना इसके। अब क्या एसिडिक हाइड्रोजन बचा है? नहीं, तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं काउंट होगा। नहीं समझ आया अभी? H3PO3 विल फॉर्म ओनली टू सीरीज ऑफ सॉल्ट। और अगला NaH2PO2, H3PO2 में तो एक ही एक्टिव हाइड्रोजन है, देखो सर, एक OH, HH। क्या ये स्ट्रक्चर तुमने मोल कसरत में नहीं पढ़ा? मुझे पढ़ाए हो ना सही वाले मोल कसरत में, थोड़े से कराए एन फैक्टर के लिए, कराए ना स्ट्रक्चर। तो अब इसमें भी कितने एक्टिव हाइड्रोजन है? एक ही है, तो एक हट तो चुका है NaH2PO2, क्या बाकी हट सकते हैं कोई? बाकी सब तो क्या है? रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। याद आ गया कि नहीं है? ये सब मोल कसरत में किया हुआ तुमने। अगर एक्टिव हाइड्रोजन हट रहा है तो इससे सॉल्ट बनेगी, रिड्यूसिंग है, जो एलिमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है वो तो क्या होगा? रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। इसलिए तो होते हैं H3PO2 रिड्यूसिंग है, BDC से बेंजीन बना देगा, ये BDC से क्या बना देगा? बेंजीन। ऐसे ही H3PO3 में भी एक रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, लेकिन H3PO4 में कोई रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं है, ऑल आर एक्टिव हाइड्रोजन। समझ आ गया कि नहीं है? तो इससे आंसर क्या आएगा? यदि करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन, ये सब किए होंगे तुमने कहीं ना कहीं, पी ब्लॉक में होगा कहीं ना कहीं होगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बार जो मैंने बोला ना, बहुत बोला है, रिवीजन करो प्रॉपर तरीके से। और अब कर लेते हो ना, सुनाओ भी अभी दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। 3 चैप्टर रिवीजन हो गई। कौन कौन से? सॉलिड, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो। कंप्लीट भी कर लिया चारों? मैं पूछूंगा, दिखता हूँ आज जैसे टाइम मिलता है, मैं चारों चैप्टर तुमको सुनूंगा। कनिका तुम बिल्कुल भी नहीं बता रहे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। मेरे को जो चैप्टर कर लिए ना ये बोल दीजिए, अगर चार फोर चैप्टर डन, मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा चारों से, मेरे अंदाजा हो जाएगा पढ़ लिया सर। सही है, चलो ये यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैल्यू बता दी। ध्यान रखना जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मेरे घर से 11 सारे बच्चों को ये ढंग से स्ट्रक्चर बना के आने, छोड़ना नहीं इसको भी। HF है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दी, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये सिंपल वाले सेक्टर दिखा दो मेरे को, नहीं चाहिए पूरा, तो प्रॉपर सेक्टर बनाओ। ये एचएफ के अंदर H2O है, एच पे पॉजिटिव, ओ पे टू नेगेटिव, एक यही दिखा दो बस, ये लग जाए कि तुम्हें आता है बस। एच पॉजिटिव, ओ पे टू नेगेटिव, ये सेक्टर तुम्हें बनाने हैं। NH3 है, इसी में लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। NH3 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और एन पे 3 नेगेटिव, एन पे 3 नेगेटिव, ये हो गया। समझे कि नहीं? तो ये क्या लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या है लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? तो ये NH3, ये आ जाएगा NH3, इसमें लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने हैं जरूर, इलेवन थे बच्चों को ढंग से सीखना ना, ये होमवर्क जरूर किया करो, जो रेगुलर में होमवर्क है वो तो करना ही है तुम्हें, साथ में जो क्लास का पढ़ा रहा हूँ अगर मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर जरूर बनाओ तो जरूर बनाना उसको। नोट कर लिया तीनों, ये पीछे बनवाया ना मैंने अभी, HF में, H2O में और NH3 में, ये सिंपल वाले स्ट्रक्चर बना लो एटलीस्ट, ढंग से बनाना, गलत मत बनाना उसको, बना ही नहीं रहा रखे हैं। नेक्स्ट, और क्वेश्चन मैंने तो बताया कैसे पूछेंगे इसके, HF लिक्विड HCl गैस क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2O लिक्विड H2S गैस क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, ये एक्स्ट्रा फोर्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स आ गया तो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है इनको तोड़ने के लिए, चाहिए वीक ही फोर्स है लेकिन कुछ तो एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी ना। HCl में तो नहीं आएगा ऐसा फोर्स, ये H2S में तो नहीं आएगा ना, इसीलिए ये लिक्विड है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे, उनके कंपाउंड जो बनेंगे वो क्या है? गैस की फॉर्म। NH3 तो होता ही गैस है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, क्यों? क्योंकि N कम इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए NH3 क्या है? गैस। PH3 के नीचे है वो भी गैस, लेकिन NH3 का